गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई ये अपने पास है रेडमी का, hey, रेडमी नहीं है, गजब बेइज्जती है। नहीं ये है आईफोन 13 प्रो भाई, ये गरीब लोगों की आदत रह जाएगी, एप्पल भी यूज करेंगे फिर भी भाई बोलेंगे कि रेडमी की ही मोबाइल है। तो फाइनली भाई आज हम लोगों ने खरीद लिया है, इसे अपना बना लिया है इस मोबाइल को, जिसकी काफी लोगों को जो होती है ड्रीम टाइप की या फिर ख्वाहिश टाइप की रहती है। तो ये आप देख रहे हैं सामने है अपने सियारा ब्लू कलर। तो ये आप बताएं आपको कौन सी कलर जो है 13 प्रो में अच्छी लगती है। अब ये जो है मोबाइल थोड़ा तो अनबॉक्सिंग पहले तो हो चुका है अपना, क्योंकि यहाँ पर इसमें आता है लगा हुआ ये सारा चीज जो है रैप, यहाँ पर से बर्दाश्त नहीं हुआ, पहले फाड़ दिए थे, नहीं हुआ तो भाई उखाड़ दिया हूँ। अब इसे आप देखे तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर डब्बा है और ये है, इसी का आपको मेन जो है कीमत देना पड़ता है 1,20,000 रूपए अपने इंडिया में। बट भाई ये अपने को पड़ी मालूम है कितना में, 80,000 यानी 81,000 रूपए में। तो भाई 40,000 का ना लंबा सा डिस्काउंट लिया हूँ इस मोबाइल के ऊपर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, 40,000 रूपए काफी मायने, 40,000 रूपए खिलाओ पिलाओ, 40,000 रूपए होगा पार्टी वार्टी, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो अपना आने वाला है एसेसरी या फिर इक्विपमेंट बोले, वो चीज आएगा भाई अपना GoPro हीरो 9 या फिर हीरो 10 जो होगा उस वक्त देख लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आता है, ऐसे मोबाइल अपना ऑन हो चुका है पहले, बट ये फेक होता है ना अनबॉक्सिंग, बस वही चीज हो रहा है अपना यहाँ पर। काफी छोटे साइज का इसमें मैक्स भी आता है, प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स, बट ये जो है नॉर्मल साइज अपने को सही लगता है, हैंडी है एकदम। जैसे कि ये अपना मोबाइल लाना भाई, इसका है वन प्लस का, नहीं ओप्पो का, ओप्पो, हाँ ओप्पो, नहीं तुम्हारे हिसाब से ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मोबाइल है ना रियलमी और साथ में एक रेडमी, उसके हिसाब से ये चीज बड़ा है, बट ये ओप्पो का भी सही चीज है। यहाँ पर देख ले भाई, इस पर अगर आपको पेमेंट करना है एटीएम कार्ड को तो पेमेंट कर ले, समझे, सीवीवी नंबर नंबर नहीं है उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यही सारा चीज है। अब भाई ये जो मोबाइल लेने का मेन पर्पस है, ये शो ऑफ नहीं है, काफी लोग लगेगा कि भाई शो ऑफ कर रहा है, बट नहीं, ये जो है ना अपनी जरूरत एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अपने को जो थे ना क्वालिटी की कमी काफी हो रही थी, क्योंकि ये जो मोबाइल है रात के टाइम में जो जिस मोबाइल से भी ये वीडियो शूट हो रही है, तो प्रॉब्लम होता था कि रात के टाइम में ना उसमें लाइट काफी फ्लक्चुएट करता था, और नाइट के टाइम में तो बिल्कुल ये जो है शूट कर ही नहीं पाता था। कुछ कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं उन मोबाइल में, खास करके अगर आप यूट्यूबर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो तो ये सारी जो चीज है दुख है आपका, सारी चीज। ये फोन लेने के लिए कितना पेमेंट किए? तो ये फोन लेने के लिए भाई अपने 80,000 रूपए बता दिया, 80,000 रूपए, 40,000 रूपए कम, तो ये अपने को पड़ा है, बट ये इंडिया में नहीं पड़ा है भाई 40,000। ये नहीं कि आप लोग एप्पल स्टोर पर जाना उन लोग से लड़ने लगना कि इंडिया में पैसा नहीं पड़ता, इंडिया में किडनी पड़ता है, किडनी, हाँ किडनी, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ से निकाला हूँ, 14 आएगा तो यहाँ वाला भी दे दूंगा, दोनों मोबाइल यहाँ पर लगा करके चलूंगा। तो भाई ये वही चीज है अपने को कुवैत या कतर से पड़ा है, एक साइट जो इनका ऐप है वहां से अपने मामा रहते हैं, तो वो आए तो फाइनली बकरीद के मौके पर, तो ये चीज भाई अपना वहां से आ गया है, अब तो क्वालिटी अपग्रेड होनी है। तो भाई अभी के टाइम में तो न्यू वाला आईफोन 14 भी आ चुका है, यानी लॉन्च हो चुका है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये जो मोबाइल लिया हूँ उस टाइम लॉन्च हुआ था नहीं 14, बट अब लगता है कि चलो सही किया कि ले लिया, क्योंकि उसमें और इसमें ना वैसा कोई खास जो है फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इसका दाम अभी पड़ रहा है 80,000 रुपए, जिस टाइम मैं लिया था उस टाइम भी 80,000 पड़ रहा था, और अगर अभी चेक कर रहे हैं 14 प्रो का, यानी 13 प्रो अपना वाला है 128 GB, तो इसका पड़ रहा है 80,000 रुपए कुवैत में, एक साइट जो इनकी साइट है वहां पर। अगर 14 प्रो हम लेते हैं ना 128 GB का अभी, तो वो भी अपने को 96,000 रुपए, लगभग जो है 16,000 रुपए एक्स्ट्रा देने ही पड़ते हैं, तो मुझे वर्थ इट वैसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी अगर लेता ना तो मैं नॉर्मल 13 प्रो ही लेना ज्यादा सही समझता, 16,000 रुपए बचा कर कहीं और भाई इन्वेस्ट कर ले या फिर कोई और गैजेट्स में अपना पैसा लगा दे। तो इस वजह से सिर्फ उसमें कैमरा सेंसर थोड़ा बड़ा कर दिया है, और कुछ वीडियोज देखा तो वैसा कोई क्वालिटी में फर्क देखने को मिल नहीं रहा है, और फिर क्या बच गया उसमें, हाँ जो डिस्प्ले का नॉच है वहां पर कुछ नोटिफिकेशन या फिर शॉर्टकट्स दे दिया गया है, तो मुझे पर्सनली लगता है ना ऐसा कि वहां पर जैसे अगर लोग टच करेगा यूज करेगा तो अब उंगली है कहीं ना कहीं कैमरा पर रखाएगा ही, तो इससे होता है कि थोड़ा बहुत स्क्रैच आने का जो है डर, अगर टेम्पर ग्लास आप लगा कर नहीं यूज करते हैं तो भाई ये डर बना रहता है। तो सही डिसीजन था अपना कि लो 13 प्रो ही ले लेते हैं, क्योंकि उस टाइम भी 80 पड़ रहा था, और अभी भी ऐसा नहीं है कि इसका जो है प्राइस कम गया हो, अभी भी ये 80 ही अराउंड जो है प्राइस अपने को पड़ रहा है, तो सही डील था।
तो चलिए भाई मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। तो चलिए भाई वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत